नमस्कार भाइयों बहन, तो आईपीएल का सीजन शुरू हो चुका है और आईपीएल के साथ साथ एड्स का भी। तो इस सीजन का मजा उठाते हैं और देखते हैं एड्स दैट जस्ट डोंट मेक सेंस। सो बेसिकली इस एड में ये लड़की शादी करने के लिए अमेरिका से आती है। हमारे पंडित जी इसको लड़का दिखाने ले जा रहे हैं, बट इसमें एक ट्विस्ट है। ये लोग लड़की को आइडियल्स, मोरल्स या लुक्स पे जज नहीं कर रहे हैं, ये लोग जज कर रहे हैं लैमिनेशन वाले एक्सटीरियर पेंट पे। सो फाइनली उनको एक लड़का पसंद आ जाता है जिसके घर पे वो पर्टिकुलर कंपनी का वो पर्टिकुलर पेंट है। और फिर क्या, लड़की फिदा हो गई और शादी पक्की। पापा, एशियन पेंट का लैमिनेशन वाला एक्सटीरियर पेंट लगा दो, बहू आ जाएगी। हाँ, फिर उसी पेंट का पैसा दहेज में से काट लेंगे। अगर हम वियर्ड एड्स की बात कर ही रहे हैं तो डिओड्रेंट्स के एड्स को कैसे भूल सकते हैं। मतलब तुम यही एड देख लो यार। सो बेसिकली इस एड में ये लड़का डीओ पहन के लाइब्रेरी में पढ़ने जा रहा है और इस लड़की को ये लड़का सिर्फ डिओड्रेंट के स्मेल से पसंद आ गया। आई नो, फिर क्या, उसको नंबर देने के लिए कुछ एक्टिंग हो रहा है उसका और उसको नंबर मिल जाता है कैसे करके। बेसिक प्रेमिस यही है इस एड का कि इट्स द एक्स इफेक्ट, मेरा डिओड्रेंट लगाओगे बंदियां मिलेंगी। This was not a fact. And last but not the least, thumbs up ad. हम मैंने इसको लिस्ट में नंबर वन पे क्यों नहीं रखा, हमको ये नहीं समझ में आ रहा है। ये देखो, so this ad is basically the whole premise of a movie named The Mummy. रणवीर सिंह और ये बंदा एक पिरामिड में आर्कियोलॉजिकल सर्वे कर रहे होते हैं और फिर वो बंदा उसको धोखा दे के वो आर्टिफैक्ट लेके भाग रहा है। रणवीर सिंह एक बहुत ही अच्छा आर्कियोलॉजिस्ट है ऐसा लोग मानते हैं, इसलिए वो उस आर्टिफैक्ट को चेज कर रहा है एकदम दिल लगा के। वो अच्छा आर्कियोलॉजिस्ट नहीं है। इंडियाना जोन्स सुसाइड कर लेगा जब वो देखेगा कि आर्टिफैक्ट छोड़कर वो थम्स अप उठा रहा है, वही थम्स अप जो कि मार्केट में 40 रुपए की मिलेगी अगर वो चार कदम पिरामिड ऑफ गीज़ा से चल के हट जाएगा। This is the end of the video and thanks for watching. If you like this video, do comment, like, share and subscribe to the channel. और ऐसे videos मैं और बनाते रहूँगा। I know ये video थोड़ा late आया क्योंकि घर में थोड़े COVID cases के कारण delay हो गया। So और मैं आगे भी एक हफ्ते बाद भी video डाल पाऊँगा क्योंकि मेरे college के exams आ रहे हैं। So तब तक के लिए I hope ये video काम करे। Thanks for watching.